हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके अंदर भी कोरोना का वो शुरुआत वाला डर वापस लौट आया है क्या? आप भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपको डरना चाहिए, घबराना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 महीनों में हमने बहुत लापरवाही की है और उसी लापरवाही का नतीजा है कि हम अब 1 करोड़ कोरोना केसेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है और इसीलिए बहुत से लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोरोना के ये बढ़ते मामले देश में दूसरा लॉकडाउन मांग रहे हैं। इसका दूसरा जो पक्ष है ये जरूर है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही देश में बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और हम सिर्फ तमाशा देखने और लापरवाही करने के कुछ सिवा इसके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 48 दिन बाद अब एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। 47 दिन तक एक्टिव केस कम हो रहे थे, इसका मतलब आप समझते हैं कि रिकवरी से ज्यादा अब नए केसेस सामने आ रहे हैं। पहले रिकवरी रेट हमारी ज्यादा बेहतर थी। कल देश में रिकवरी से 491 से ज्यादा नए केसेस जो है वो आ चुके हैं। ये आंकड़ा यकीन मानिए चिंता को बढ़ा रहा है। देश के बहुत से राज्यों ने ऐसे संकेत देने अब शुरू कर दिए हैं, जैसा गुजरात, जहां अहमदाबाद के बाद राजकोट, सूरत और वडोदरा में भी कल से रात में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 9 बजे से रात का ये कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ये कर्फ्यू रहेगा सुबह 6 बजे तक। यानी जिन राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। जब भारत में सिर्फ 657 केस थे तो 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना वायरस का संक्रमण तब भी नहीं रुका तो 31 मई को लॉकडाउन खुल गया और फिर 31 मई को जब लॉकडाउन खुला तो देश में कोरोना के करीब 1,90,000 केस थे। लॉकडाउन खुलने के बाद ये हालात हो गए कि मई के बाद सिर्फ 6 महीने के भीतर ही देश में कोरोना के 90 लाख से ज्यादा केस हो गए हैं। ये हालात बहुत चिंताजनक है क्योंकि कोरोना का खौफ एक बार फिर लौट आया है और इसकी वजह है भारत में फूटा कोरोना बम। बहुत जल्द हम 1 करोड़ कोरोना केसेस को पार करने वाले हैं। 90 लाख से ज्यादा कुल कोरोना केस के साथ हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया के 15.73% केस भारत में हैं। इनमें से 4,43,000 एक्टिव केस हैं दुनिया में छठे नंबर पर, जबकि 84,28,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। और कोरोना से 1,32,000 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से हुई मौत के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। जनसंख्या के मामले में कहा जाता है कि भारत के हर राज्य में एक देश रहता है, लेकिन कोरोना के मामले में भी ऐसा ही है। भारत के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, अगर वो देश होते तो दुनिया में टॉप 20 में शामिल होते। जैसे महाराष्ट्र में 17,63,000 केस हैं, ये दुनिया में छठे नंबर पर है। कर्नाटक में 8,67,000 केस हैं, दुनिया में ये 14वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में 8,58,000 कोरोना के केस हैं, दुनिया में 15वें नंबर पर है। केरल में 5,45,000 केस हैं, ये दुनिया में 19वें नंबर पर होता। यही वजह है कि देश में एक बार फिर कोरोना की वजह से लोग डरे हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना का टेस्ट कराने के लिए लाइन लगी हुई है। टेस्ट सेंटर्स के बाहर भीड़ है। अहमदाबाद में बढ़ रहे कोरोना के केसेस की वजह से वहां शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिवाली के बाद अहमदाबाद में कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। अहमदाबाद में बिना मास्क वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है। मास्क न लगाने पर नगर निगम की तरफ से 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ने के यही कारण है, इसीलिए हिमाचल के लाहौल स्पीति का एक पूरा गाँव कोरोना संक्रमित हो गया। ये लाहौल का थुरांग गांव है। लॉकडाउन में छूट मिली तो हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटक आने लगे। ये गांव पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। गांव की कुल आबादी 42 लोगों की है, जिनमें से 41 कोरोना पॉजिटिव है। अब गांव में पर्यटकों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। थुरांग गांव जो है इस एक ही गाँव में, इस गुलना पंचायत में, इस गाँव के लोग कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुए। इसे लगता है
कि टनल खुलने के बाद जो लोग टूरिस्ट लाहौल गए थे, जो आपने कारण पूछा है, एक व्यक्ति जो भूषण लाल जो है वो व्यक्ति बचा है। हालांकि भूषण लाल जो है उसको बहुत पहले जो है खांसी खूंसी था। जब यहाँ पर इस गाँव का जो है टेस्ट हुआ, जो कोविड टेस्ट हुआ, पूरे परिवार थोरंग गाँव जो है चपेट में आ गया है। तो मुझे लगता है कि इस गांव में टूरिज्म या बाहर के लोगों के आने से ही ये कोविड फैला है। पूरे भारत में दोबारा कोरोना का बड़ा हमला हो रहा है। ये इंदौर है जहां शहर के इस मशहूर आनंद ज्वेलर्स को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इस शोरूम में काम करने वाले 31 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिवाली की वजह से यहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। तो आनंद ज्वेलर्स या कोई भी ज्वेलर्स रहते हैं, ये क्लोज्ड कैंपस रहता है और सेंट्रल एसी रहता है, तो वहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि उनके जो रिमेनिंग स्टाफ हैं और वहाँ पर जो आने वाले ग्राहक हैं उनको संक्रमण की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि सैनिटाइजेशन हो और सैनिटाइजेशन के साथ साथ कुछ ऐसा पीरियड रहे जबकि लोग वहाँ आवाजाही ना कर सकें जिससे कि संक्रमण का खतरा टल जाए। लेकिन देश में सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली का है। पिछले 24 घंटों में देश के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस आए हैं उनमें दिल्ली पिछले कई दिनों से सबसे ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में 7,546, केरल में 5,722, महाराष्ट्र में 5,535, पश्चिम बंगाल में 3,620 और राजस्थान में 2,549 केस एक दिन में आए हैं। इसीलिए दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब 500 के बजाय 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये जगह है नोएडा और दिल्ली बॉर्डर, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सख्ती से मास्क को चलान जो है वो किया जा रहा है। अब रिवाइज हो गया है चलान, 500 से 2,000 तक हो गया है, तो आप देखिए कितनी ज्यादा सख्ती जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह से एक विस्फोटक 3री लहर कोरोना की दिल्ली में हुई है, उसके बाद से ही दिल्ली सरकार लगातार फैसले ले रही है। आज तो 500 का, कल से 2,000 का हो जाएगा। नहीं, मैं वेयर रखूंगा, प्रॉपरली वेयर ही कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ बात हम बात कर रहे थे, इस वजह से हल्का सा स्लिप हो गया है और कुछ नहीं है, तो प्रॉपरली वेयर करके निकलते हैं। हम बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उस वजह से हल्का सा कपड़ा स्लिप हो गया। ऑब्वियसली बात है, पे करना ही पड़ेगा जब नहीं मानते। जस्ट अभी टैबलेट खाया है। अच्छा, टैबलेट जी जी। मास्क न लगाने में लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं ये आंकड़ों से पता चलता है। दिल्ली पुलिस ने अब तक मास्क न पहनने वाले 4,98,984 लोगों का चालान किया है। इन चालानों से पुलिस के पास 26 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से उसकी बदनामी भी हो रही है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार दिल्ली मुंबई के बीच आवाजाही बंद करने का प्रस्ताव रख रही है। विचार है कि दिल्ली मुंबई के बीच हवाई जहाज और ट्रेनें बंद कर दी जाएं। हालांकि इन प्रस्तावों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मुझे लगता है आने जाने वाले हर शहर से जो हैवी ट्रांसपोर्ट आते वह हैंडलिंग ज़्यादा होते, कोविड प्रादुर्भाव लेके आते हैं, उसको सैनिटाइजर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। विमान की सेवा भी अभी जो इंटरनल चालू थी वो भी थोड़े दिन के लिए तो बंद होना चाहिए। अब तो यूपी सरकार भी ये कह रही है कि यूपी में कोरोना के केसेस दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अब बढ़ा है वो दिल्ली के कारण बढ़ा है। दिल्ली पहले भी बहुत लापरवाही से काम करता था, कभी उनने टेस्टिंग पूरा किया नहीं, ऐसे पूरे समाज को छोड़ दिया था, और उसको छोड़ने के बाद जब ये सेकेंड वेव जो आ गया है, आप देख ही रहे हैं कि कितने बुरी तरह से वहाँ पर लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं, मृत्यु भी बहुत ज़्यादा लोग का हो रहा है जिसको वो बता नहीं रहे हैं। मगर इस तरह का लापरवाही करने से ये इसका इफेक्ट वहाँ के अगल बगल सभी प्रदेशों में जाएगा। इसीलिए दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, वो चाहे दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से आ रहे हैं। समस्या ये है कि सरकार के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि दिल्ली में कोरोना के इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हाँ, जरूर पिछले समय में केसेस बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे बढ़े हैं, और शायद इतने ज़्यादा पिछले 8-10 महीने में कभी नहीं रहे। तो दिल्ली की चिंता हम शुरू से व्यक्त कर रहे हैं, बार बार लोगों को भी आगाह कर रहे हैं, सरकार को भी केंद्र सरकार के लेवल पर सपोर्ट देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। और समय से पहले हम लोगों ने कहा भी था कि दिल्ली में खासकर जो फेस्टिवल सीजन में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की जो जरूरत है। आप जिस तरीके की देश में लापरवाही बढ़ती जा रही है उस पर भी गौर करें।
देखिए भारत की समस्या सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि आने वाले शादियों के सीजन को लेकर भी है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि शादियों के सीजन की वजह से कोरोना के केसेस की संख्या बढ़ सकती है। वैसे जानकार ये भी मानते हैं कि देश में कोरोना के पहले से ही बहुत सारे ज्यादा मरीज मौजूद है, क्योंकि कोरोना का जो एंटीजन टेस्ट है वो ज्यादा सफल नहीं माना जा रहा है। ज्यादातर राज्य सरकारें कोरोना का एंटीजन टेस्ट ही करवा रही हैं। देश में अब तक 12 करोड़ 95 लाख टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 49% एंटीजन टेस्ट हुए हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एंटीजन टेस्ट की 50% रिपोर्ट्स फॉल्स नेगेटिव आई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इन रिपोर्ट्स ने पॉजिटिव केसेस को भी नेगेटिव दिखा दिया है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि देश में कोरोना के आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं।